थमुनी आवास कली गां गां तेजुची असंतोष ग्रामसभा बेले अनुगुल सरपंच समिति सभ्य निर्वाही अधिकारी ताला पकड़े लोके बलांगीर तीन सौ सतर सरपंच बर्जन कले ग्रामसभा एपटे तेजिला बीजेडी बीजेपी बयानबाजी घरे घरे थंडा ज्वर अनेकों क्षेत्र में काम देना पारासेटामल विशेषज्ञ कहे इन्फ्लुएंजा जो ज्वर कोविड पर कमी रोग प्रतिरोधक शक्ति फुसफुस समस्या थे जटिल स्थिति डाक्तर को देखा चिकित्सा करने को परामर्श 2024 बड़ प्रस्तुति आसंता काली केसीआर पठाई स्वतंत्र विमान में हैदराबाद जिबे ओडिया नेता जयराम पांगी के समेत गिरिधर कमांगों भली नेता हेबे बीआरएस रे सामिल कर्तव्य पथरे लेखागला नुआ भारत नुआ इतिहास प्रथम थर आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कले पताका उत्तोलन परेड उत्सव में दुनिया देखिला स्वदेशी युद्धास्त्र देशर पराक्रम भारतीय कला संस्कृति ऐतिह्यर महासंगम पलटिला कर्तव्य पथ भुवनेश्वर गांधी मार्ग में राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस महोत्सव पताका उत्तोलन कले राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल मिलित परेड में ग्रहण कले अभिवादन सम्मानित अतिथि भाव सामिल है मुख्यमंत्री मनमोहिला डेयरडेविल शो और प्रज्ञापन मेढ़ साधना को मिला बड़ स्वीकृति पद्मश्री पुरस्कार तालिकार स्थान पाइबा पर संघर्ष कहानी बखाणिले चारि ओडिया कहले उत्साहित कर सम्मान युवपीढ़ी को जोगाइब प्रेरणा एवं भुवनेश्वर भुआसुनी डंपिंग यार्ड में पुणि अशांति बीएमसी प्रतिश्रुति खिलाफ कर राति अधिया अड़िया पकाइबा अभियोग प्रतिवाद बारंग पितापल्ली छक रास्तारो आवास तालिका ने सृष्टि होता बिवाद बढ़ी बढ़ी चली योग्य हिताधिकारी तालिकारु बात पड़ा अभोग आज विभिन्न ग्रामसभा बेले विभिन्न स्थान में असंतोष देखा मिली अनुगुल समुद्रापुर पंचायत में सरपंच समिति सभ्य और निर्वाही अधिकारी लोके ताला पकड़ बलांगीर में आवास तालिका को नहीं असंतोष 370 सरपंच समिति सभ्य ग्रामसभा बर्जन कर खबर मिली आवास कली भितर पुणी थे बीजेपी और बीजेडी मध्य कथा कटाकटी थमुनी आवास कली ग्राम सभारे उत्तेजना ऑफिसरे ताला पकाइले लोके प्रधानमंत्री आवास योजना तालिका को नहीं आरंभ होइतिबा कली थमिबार ना धरुनी गां गांरे असंतोष बढ़ी चली आउ एतिकी बेले आज बसिथिबा ग्रामसभा बैठक में विभिन्न स्थान में उत्तेजना देखा मिली एहुची अनुगुल जिला बरपाल ब्लॉक रो एक पंचायत कार्यालय दृश्य जोंठी तालिकारु बात पड़ा योग्य हिताधिकारी माने पाटितुंड करने सहित पंचायत कार्यालय रे ताला पकाई प्रतिवाद बलांगीर में आवास तालिका को नहीं असंतोष देखाई बलांगीर जिला तुरैकेला ब्लॉक अंतर्गत एक पंचायत दृश्य पंचायत कार्यालय रे ताला झुलुची कहुच तालिकार त्रुटि रही अभियोग कर ब्लॉक सब पंचायत ग्राम सभा को बर्जन कर केवल यही ब्लॉक नुहे सूचना अनुसार जिलार 14 ब्लॉक प्राय 317 पंचायत ग्रामसभा बर्जन कर सरपंच और समिति सभ्य आज जेन बर्जन कलु मेन कथा है से मैंने बोले से तालिका के आज ग्राम सभा रे अपन सामिल करूँ और पास करूँ मतलब है सर आम कौन सरपंच से ग्राम से तालिका विषय आम कि नहीं जानी केबे इनक्लूज हला केबे स्क्रूटनी हला सब से ब्लॉक प्रशासन कि जिला प्रशासन करिजे जहाँ फल आम तो किसी नहीं जानी आज के आम ग्राम सभा के पास करमु चंटन का पंचायत सांगे सांगे आम तुरैकेला ब्लॉक 19टा पंचायत रवि सब आज ग्राम सभा के बर्जन कराई बीजेडी बीजेपी कथा कटाकटी घर देवा को किए मना करथिला तालिका को नहीं गां गांव कली लग रही बेले पुणि थे बीजेपी और बीजेडी मध्य कथा कटाकटी राज्य बीजेपी सभापति प्रश्न कर पचार 23 वर्ष से गरीब लोकों चाड़घर हटाई पक्का घर करने को राज्य सरकार को किए मना करजु पक्का घर योजन केते घर दि जा राज्य सरकार का काम आंतरिकता नहीं केवल भोट बैंक पॉलिटिक्स बीजेपी प्रश्नर जवाब रखी बीजेडी दल पक्षर बीजेपी रो अभियोग भित्तिहीन जाणी अबुजा को बुझाइबा कष्टकर बीजेपी खाली अभियोग करुछि हेले केउ अयोग्य माने आवास पाइचंती बीजेपी काहिंकी तार तालिका प्रकाश करूनाही 23 वर्ष सरकार किए मना करथला राज्य सरकार को टार्गेट नहीं कि
आम गरीब लोक चाल घर हटे पक्का घर करने आजु पक्का घर योजना से राज्यवासी को गरीब लोक घर दे आंतरिकता ना ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर दिलक्ष पाइबा योग्य पाइना कहते ना छाड़ दिंतु आजोग्य लोक ना छाड़ दिं आविधा हे जो मैंने तल स्तर काले ये जो देखला बेल कौटा उ रही जाऊ क्लीन हो तेणु करूना कहीं खाली अभियोग कर गोलमाया कर नक बोधे रही भावना जिते एमती चल आम खाली इश्यूटा को गोटे करूँ और इश्यू करा भोट्रे जेहतु निर्वाचन वर्ष एक उपयोग कर अति गरीब लोक रही जगह ना ये बारंडा से बारंडा मंदिर स्कूल बारंडार सही गरीब लोक दि जो मैंने एलिजेबल प्रधानमंत्री आवास योजना पाइबापी बीजेडी बीजेपी ड्रामा चली आवास तालिका को नहीं गाँ गाँव में सृष्टि होता उत्तेजना बीजेडी बीजेपी भितर बयानबाजी आगामी दिन में आहुरी जोरदार बोली चर्चा हो अनुगुल प्रकाश कंटाबांजी पुष्पकेतु बलांगीर ज्योत्सना और भुवनेश्वर मौसुमी महांती देवाशीष सासमल का रिपोर्ट कनक न्यूज। ओडिशा रे केसीआर को भारत राष्ट्र निर्माण एंट्री नहीं चर्चा जोर धरी गत सप्ताह रे तेलंगाना जाई गिरिधर गमांग शिशिर गमांग और जयराम पांगी केसीआर को भेटिथिले एबे चर्चा होउछि आसंता काली एही नेता माने एक स्वतंत्र चार्टर विमान रे हैदराबाद जिबे सेठारे केसीआर को उपस्थित रे बीआरएस रे शामिल हेबे एथिपई क्षेत्र प्रस्तुति सरिछि आगुको मध्य केसीआर ओडिशा आसिबे बोली चर्चा जोर धरी देखंतु एही रिपोर्ट। बदलिबो कि ओडिशा रो राजनीतिक समीकरण काली बीआरएस रे शामिल हेबे ओडिशा नेता 2024 निर्वाचन पूर्वरु राज्य राजनीति रे बड़ एंट्री करबा को जाउची जातीय दल भारत राष्ट्र समिति एबे दक्षिण ओडिशा उपरे स्वतंत्र नजर रखिची एथिपई समस्त प्रकार प्रस्तुति एबे शेष पर्याय रे राज्य राजनीति रे एंट्री मारिबा को सरिची क्षेत्र प्रस्तुति तेलंगाना रो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को दल भारत राष्ट्र समिति रे शामिल हेबे दक्षिण नेता कहुची शुक्रवार दिन पूर्वतन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग तांको पुओ शिशिर गमांग पूर्वतन मंत्री जयराम पांगी एक स्वतंत्र चार्टर्ड फ्लाइट रे हैदराबाद जिबे हैदराबाद रे एक कार्यक्रम रे बीआरएस मुख्य चंद्रशेखर राव को उपस्थिति रे माने शामिल हेबे कंधमाल रो पूर्वतन कांग्रेस नेता कैलाश मुख्य बीआरएस रे शामिल होइछंती इने तेलंगाना गणमाध्यम रे बीच चर्चा चली नवनिर्माण कृषक संगठन रो किछि नेता भी एमानक सह जिबा सूचना रहिछि गत सप्ताह रे एही नेता माने चंद्रशेखर राव को भेटी नुआ समीकरण रो इशारा देथिले अपनो खाली बीआरएस रे विधिवत भाव रे जोग दे कि ओडिसा रे बीआरएस रो नेतृत्व न होय छ सर कोन सूचना कोचन समस्त अपन सर गति 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 पथ कथा वार्ता सब चली चलु ने कि शुक्ल सुने समीकरण तेलंगाना रे चंद्रशेखर राव को एक रैली रे केरल दिल्ली और पंजाब रो मुख्यमंत्री को सह अन्य वरिष्ठ नेता और मंत्री माने शामिल होइतले कुआ जाउची ए माने सब मिसी 2024 रे एक जातीय समीकरण सृष्टि करबार लक्ष्य रखिछंती चर्चा हेउची ओडिसा रे भारत राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी मिलित भावे निर्वाचन लड़िबे राज्यर सहरांचल उपरे फोकस करिबो आम आदमी पार्टी दक्षिण एवं ग्रामांचल उपरे फोकस करिबो भारत राष्ट्र समिति तेलुगु भाषाभाषी उपरे भी बीआरएस रा नजर राज्यर कणठेसा होई रहितबा किछि बड़ नेता चंद्रशेखर क सह संपर्क रेथिबा सूचना बिजु जनता रा सफलता परे अनेक दल भी उत्सुक होबा जेतेबेले जातीय दल गुडी क अंतर्हित होई जाउछन्ती अनेक जातीय दल तेनु आंचलिक दल माने तांग पड़ोसी से आशा करिवारे किसी बारण करहब ये बीजेपी द्वितीय कांग्रेस तृतीय अमरनाथ चलीगला सेमती आउ गोटे दल आस द्वितीय स्थान पर किए हम लड़े करेंगे आमर किसी कह तेना भारतीय जनता पार्टी पूंजी हूँ तार कार्यकर्ता तेनालीर भारतीय जनता पार्टी को
ओडिशार को सेवा करने ये जो उद्यम ये कौन सी फरक पड़ो ना भारतीय जनता पार्टी क्या दया कि आशीर्वाद भिक्षा करनी ये ओडिशावासी सेवा करने ओडिशावासी आशीर्वाद को पाथेय करके आगे बढ़ुच्छे बीआरएस कम दबनी एटे जो जो झाड़ू कम दबनी एटे बाल्टी कम दबनी एटे पद्मफुल कम दबनी एटे केवल फाइट हम हाथ शंख कहुच्छी आगामी दिन में तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव एवं आप मुख्य अरविंद केजरीवाल ओडिशा आसी पारंती उपस्थित रे किसी बड़ नेता दल में सामिल होगा संभावना रही तबे यार प्रभाव राज्य राजनीति में कौन पड़े ताकू नहीं राजनीतिक महल रे एबे थारु अंक कसा आरंभ होई भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बाणीनंदन समीर मौसुमी महांती और देवाशीष सासमोल रिपोर्ट कनक न्यूज थंडा जोर से थरुची सारा राज्य आ सबुठ बड़ कथा है थंडा समय रे काम देउनी पारासीटामल आ पारासीटामल खाइबा सत्य अनेकों ज्वर कमुन चिंता बढ़ी जाइछि डाक्टर कहते इन्फ्लुएंजा रे पीड़ित थिले पारासीटामल काम करिन पारे पूर्वर कोरोना होइथिले किबा फुसफुस समस्या थिले एबोले स्थिति देखा दे पारे तेणु खूब शीघ्र विशेषज्ञ को परामर्श नेबा को सेमाने परामर्श देइछन्ते थंडा जोर से थरुची सारा राज्य काम देउना ही पारासीटामल घरे घरे सर्दी काश थंडा जोर से पड़ी लोके कहार तंटी दरज तो आउ कहार लहरा काश हो तो पुणी कहा को जोर छाड़ूना संदेह अनेक लोक करोना परीक्षा किंतु टेस्ट रिपोर्ट प्राय नेगेटिव आसुची किंतु दीर्घ दिन धरी थंडा जोर से घाटी होती लोके पारासीटामल खाइबा सत्वे अनेकों जोर कमुन चिंता बढ़ी जा कहीं कम करूना पारासीटामल रही कि कोविड सह संपर्क डाक्तर कहिबा कथा इन्फ्लुएंजा रे पीड़ित थिले पारासीटामल काम करिन पारे पूर्वरु करोना होइथिले किंबा फुसफुस समस्या थिले एभली स्थिति देखा जाउछि करोना परे रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाइछि ज्वर होइथिबा व्यक्ति अन्य मानक थारु दूरै रहन्तु जदि घरे आपनकर कोनोसे फैमिली मेंबर को ज्वर आरंभ होउछि ताले सेमानको टिके आइसोलेट रखंतु एडिक्वेट हाइड्रेशन खाइबा पीबा नॉर्मल डाइट दियंतु किंतु जदि कंडीशन बेसी सीरियस लागुचे तेनु डॉक्टर का परामर्श अनुजाई ही औषध खांतु एवं वयस्क लोक बा अलगा छुआ पिला जो मानकर देहर रोग प्रतिरोधक शक्ति अलगा सेमानको टु ए जो इन्फेक्शन बा ज्वर हेतिबा व्यक्ति मानक जो फैमिली रोजंती तांको टु अलगा रखिबाटा उचित बॉडी रो इम्यूनिटी लोकंकर कमी जाइछि तणकरी भाइरस पारासीटामल देला परे पार्टी हम छुआ मानको देखु छु पारासीटामल देला परे भी तांको ज्वर छाड़ुनि दी तीन दिन लागि कि रहु छ हाई डोज देला परे भी छाड़ुनि तणु या हेइ पारे दीटा इफेक्ट आइदर हेइथियो भाइरस जो अछि भाइरस बोले कोविड भाइरस हो कि अन्य भाइरस हो ते बहुत हेवी हेगलानी एक सेकेंड थिंग हम इम्यूनिटी कमी गलानी बॉडी रो तणु उभय को फैक्टर जदि करिबा ता निश्चय पारासीटामल इफेक्टिव कमी जाउछ कोरोना परे एपरी थंडा ज्वर लोकों को चिंता रे पकाई देछि डाक्टरखाना रे रोगी को संख्या बढ़िबारे लागिछि स्थिति जटिल हेबा पूर्वरु डाक्टर को परामर्श नेबा को कहिछंती विशेषज्ञ डाक्टर कटकरु कैमरामैन अभय को सह सौम्यरंजन चौधरी को रिपोर्ट कनक न्यूज साधना को मिलिला स्वीकृति निज निज क्षेत्र रे निरंतर साधना करि आसुथिबा एमिति चारि जण ओडिया को एथर मिली सम्मानजनक पद्मश्री पुरस्कार आउ चारिज प्रतिभावान व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार जी उत्साहित करशावासी खुशी आनी जो साधना पछरे समर्पण थी समर्पण पछरे निस्वार्थ भाव थी से ही साधना और समर्पण दिने ना दिने सफलता आम्मान आ निज निज क्षेत्र में निरंतर साधना करी आसुथिबा एमिती चारिजण ओडिया को एथर मिलिबाकु जाउची पद्मश्री पुरस्कार कृषि क्षेत्र पाई पटायत साहू काठी कंढेई कला पाई मागुणी कुंवर लोकगीत रंगवती पाई कृष्णा पटेल एवं शिक्षा और साहित्य पाई अंतर्जामी मिश्रंकु मिलिबो पद्मश्री एहि चारिजण प्रतिभावान व्यक्तित्वंकु पद्मश्री पुरस्कार जेतिकि उत्साहित करिछि ताठु अधिक ओडिशा को खुशी आनी
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାଲିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ତେଣୁ ପୁରସ୍କାରଟା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର। ମୋର ତ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଗର୍ବ କରିବି? ମୋର ଶ୍ରୀମତୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ମୋ ବୋହୁ ବି ଖୁସି, ମୋ ନାତୁଣୀ ଯାହା ତ ଭାରି ଖୁସି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ପାଇନି, ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ବଞ୍ଚିକରି ରହିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ, କଳାକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପଟାୟତ ସାହୁଙ୍କ କାହାଣୀ ଅତି ବିରଳ। କଳାହାଣ୍ଡି ନାନ୍ଦୋଳ ଗାଁର ପଟାୟତ ସାହୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବିରଳ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ ଏକର ଜମିରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପଟାୟତଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରର ମାଗୁଣୀ କୁଅଁର ଏବଂ କାଠି କଣ୍ଢେଇର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା। ଓଡ଼ିଶାର କାଠି କଣ୍ଢେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ମାଗୁଣୀ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ମାଗୁଣୀ କୁଅଁର ଏହି କଳାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଶା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯାଇଥିଲି କାଳିନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଥିଲି, ଏଠି ଦେଲେ ସମର୍ଥନା କଲେ କୋଉଠି, ଏଇ ଯୋଉ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ସେଠି ଯଦି କଲେ ହଳଧର ନାୟକ ବସିଥାଏ, ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ବସିଥାଏ, ମୁଁ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଙ୍କି ଚେଙ୍କି ନାଗୁଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମୁଁ ଇଏ ମାନେ ସଂଗୀତ ମୁଁ ବି ଆଗାଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଗାଡି କମ ନୁହେଁ, ତେବେ ବି ସେଇଟାରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନାଚ ନାଗୁଥାଏ। ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ବସିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିକରି ପର ପିଣି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀର ଦ୍ୱିଗୁଣୀ ତ ଲାଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବେ ଔଷଧ ଚାଷ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାନେ ଲାଭ ବେଶୀ ହେବ, କମ୍ ଦିନରେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତ ଯୋଉ ଜମିରେ ମାନେ ଭଲ ଉନ୍ନତ କିସମ ଚାଷ କିଛି ହେଇନପାରୁଥିବ ସେଇଠି ଯଦି ଔଷଧ ଚାଷ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦ ଦେଇକି ଚାଷୀକୁ ଯେତିକି ଲାଭ କରିବା ତା ଯଥେଷ୍ଟ 2-3 ଗୁଣ ଲାଭ ହେବାଟା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ, ନିଜେ କରିକି ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 91 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି ଏହି 4 ଜଣ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅମ୍ବିକା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଜାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁଆଶ୍ରେଣୀ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତି, ବିଏମ୍ସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଖିଲାପ କରି ରାତି ଅଧିଆ ଅଳିଆ ପକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅଳିଆ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବାରଙ୍ଗ ପିତାପଲ୍ଲି ରାସ୍ତାର ଦାରୁଠିଙ୍କ ଭୁଆଶୁଣୀ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ବାୟୋ ମାଇନିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସଚିବ, ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଦାରୁଠିଙ୍କ ବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଖିଲାପ କରି ବିଏମ୍ସି ଆବର୍ଜନା ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଗତ ରାତିରେ 5 ଟ୍ରଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୋ ମାଇନିଂର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସେସରି ଆଣିକି ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚିକି ଆଣିକି ଅଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରଖି ଲୁଚେଇ ଛପି କାମ କରିଦେବ? ଏ 15,000 ଗ୍ରାମବାସୀ ଆର ଆଜି ପବିତ୍ର ଭଳି January 26 ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସରକାର ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ଯେଉଁ ସରକାର ନିୟମ କରିବେ, ସେଇ ସରକାର ଭଳି ଭାଙ୍ଗିବେ। ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଜାଲ କୋଭିଡ ଟିକା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇନ୍କୋଭ୍ୟାକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରତି ଡୋଜ୍ ପିଛା 325 ଟଙ୍କା, ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡୋଜ୍ ପିଛା 800 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଇନ୍କୋଭ୍ୟାକ୍ ଓ ୱାଶିଂଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଟ୍ୱିସ୍ ସହ ଏକାଠି ମିଶି ସେରମ୍ ଏହି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଟିକାର ପ୍ରଥମ 2 ଟିକା ମଧ୍ୟରେ 28 ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିବ। ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ନିଜର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଭାବେ ନେଇପାରିବେ। नेशनल वैक्सीन हिंदुस्तान में नहीं केवल लेकिन विश्व में मैं मानता हूँ कि फर्स्ट वैक्सीन है, उसका उपयोग हिंदुस्तान में भी हो और दुनिया में भी हो। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है
देश और विश्व स्वस्थ रहे। विश्व स्वस्थ रहने में भी हिंदुस्तान की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि कभी हमने हेल्थ को केवल कॉमर्स के साथ नहीं देखा है, हमने हेल्थ को सेवा के साथ देखा है।